हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल रात हम अपने गांव आ गए थे। आज देखिए, आज ठंडी है फिर भी सुबह सुबह नहा लिए हैं क्योंकि हमको जाना है बारात अपने फ्रेंड के। मेरे फ्रेंड अमित का आज शादी है, तो अभी सबसे पहले मेरा एक फ्रेंड है आशुतोष, मेरा स्कूल फ्रेंड है, क्लासमेट है, तो उसको पिक करेंगे एंड हम दोनों साथ जाएंगे। और पापा इधर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हेल्दी सा। तो पापा कहाँ जाने का तैयारी हो रहा है? ऑफिस। क्या काम करते हैं जरा बता दीजिए। मोस्टली पब्लिक मजिस्ट्रेट हूँ। अच्छा, मेरा कोट अलग लगता है। तो पापा मेरे लॉयर हैं, नोटरी मजिस्ट्रेट भी हैं साथ में। पापा का कोट भी दिखाएंगे कभी टाइम मिलेगा तो। नहीं उतना नहीं, दो को हटा दो, जल्दी जल्दी लेट हो रहा है। मम्मी ज्यादा प्यार में ज्यादा पराठा ले आई। और ये रहा मेरा फेवरेट आंवले का अचार। ऑफिस नहीं जाना, आज छुट्टी ले लिए हैं, दोस्त का शादी है ना, अभी आशुतोष से मिलने जा रहे हैं। उसके शादी में हम इकलौता पहुंचे थे, उसके शादी में कोई फ्रेंड नहीं आया था, इंडियन आर्मी में है का? वो अभी है, वीडियो में कैसे बता दे, बट है इंडिया में ही है। एंड ये कुछ ऐसा है अपना गांव, देख लीजिए। तो काफी छोटा सा गांव है हमारा। अमित है वो मधुबनी में रहता है, तो अमित की शादी है आज। हम और आशुतोष अभी निकलेंगे मधुबनी के लिए। एंड यार गाँव में ना कुछ भी कहो, स्पोर्ट्स बाइक का मतलब है क्या अपाची। एंड ये रहा छपरा जिला के सोनहो बाजार का चौक। यहाँ से सीधे आप मुजफ्फरपुर जा सकते हैं, यहाँ से बाएं आप सिवान गोपालगंज जा सकते हैं, एंड अगर पटना जाना है तो यहाँ से हम लोग राइट चलेंगे। तो हम लोग आ गए राइट। देखिए ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब सिवान गोपालगंज जा रही हैं, XUV700, ज़बरदस्त। हमारा प्लान था 10 बजे निकलने का मधुबनी के लिए, यहीं पर 11 बज गया, जाने दो भाई। भैया तो अभी जल्दी से आशुतोष भाई को पिक करते हैं, निकलते हैं। ये मेरा फ्रेंड आशुतोष है एंड ये इसकी प्यारी सी बिटिया है, क्या नाम है? आरुषि सिंह। पापा क्या नाम है? एंड ये भाभी जी हैं। तो अभी चलिए यहाँ से हम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं मधुबनी के लिए। चलो ओके भाभी जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो हम लोग आ चुके हैं छपरा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पे, एंड ये यहाँ पे एक और गंडक नदी पे पुल है, इसको रेवा पुल बोलते हैं। आप लोग पहले के वीडियो में देखे होंगे, ये गंडक नदी के कारण ही छपरा जिला में बाढ़ आता है। यही गंडक नदी आगे जाके सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है, जहाँ पे अभी मेला भी लगा हुआ है। हम लोग फिर से पहुँच गए मुजफ्फरपुर जिला में, ये है मुजफ्फरपुर का सरैया बाजार। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कांटी, ये है कांटी थर्मल पावर प्लांट, वो रहा सामने। ये हम लोग पहुंच गए मुजफ्फरपुर, यहाँ से अगर सीधे जाते हैं तो हम लोग पहुंच जाएंगे मुजफ्फरपुर शहर में, बट हमें जाना है दरभंगा के तरफ। तो हम लोग इस नेशनल हाईवे को कंटिन्यू करते हैं, ये नेशनल हाईवे यहीं से मुड़ जाता है, तो यहाँ से स्ट्रेट बिल्कुल हमें जाना है एंड देन वी विल रीच दरभंगा, एंड आफ्टर दैट हमको वहाँ से जाना है मधुबनी। तो अपने बाइक को यहीं पे करते हैं पार्क एंड बैठते हैं। यस, दिस इज आवर फर्स्ट ब्रेक। क्या आशुतोष भाई, चाय वगैरह पीना है क्या? चाय पी लेते हैं भाई। और भाई से भी हम लास्ट टाइम इसके शादी में ही मिले थे, तो आज ऑलमोस्ट 4-5 साल बाद मिल रहे हैं। 4 साल हो गए भाई। और हम दोनों मतलब पटना में जब रहता था भाई, तो हम दोनों आसपास ही रहते थे, तो डेली मिलते थे, बहुत क्लोज, साथ में स्कूल आना जा रहा था। एंड ये था सबसे लेट कमर वाला बंदा था, आज भी है, रोज डांट सुनता था। आज भी है। अच्छा आज भी? आज आर्मी में चले गए फिर भी लेट जाते हो ना? वैसा लेट नहीं कर सकते, बट थोड़ा बड़ा मतलब टाइम पे। अच्छा, एंड इधर सब कोई बैठ के अपना अपना मील इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा जगह है। एंड उधर आशुतोष भाई कुछ खरीद रहा है, ये देखिए इधर पूरा मस्त खाने पीने का जुगाड़ चल रहा है। अरे ये सब कहाँ लेके आ रहे हो बे? छोटा ऐसे बच्चे हैं क्या? कुरकुरे छोटा है ना, लेज खिला रहे हो। सही बात है, छोटा बच्चा है। बचपन में ऐसा एक कुरकुरे मिलता था पूरा क्लास हम लोग खाते थे, है ना, दो दो बांट के। एक 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 एक, एक सबको चाहिए। हमारे टाइम में नया नया ये सब चीज़ आया था, कुरकुरे लेज। मेरे लिए भी चाय मंगा दिए भाई, क्या करें। अकेले पीना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, चाय बढ़िया।
दुकान वाला टेस्ट नहीं आ रहा, घर वाला टेस्ट है इसका। दूध है ऐसा ना कि पानी पानी। एंड दिस विल बी द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी गोइंग टू दरभंगा एंड मधुबनी। और हम लोग पहुंच चुके हैं गायघाट थाना जिला मुजफ्फरपुर, एंड यहां से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर और दरभंगा है। एंड आई थिंक हम लोग दरभंगा जिला में एंटर कर चुके हैं। ये है सिमरी थाना। जी हाँ, तो स्वागत है आपका दरभंगा में। ऑलमोस्ट हम लोग दरभंगा आ चुके हैं। वेलकम टू दरभंगा सिटी। दरभंगा से हमें जाना है मधुबनी, फिर वहां से बारात के साथ हमें जाना है झंझारपुर। एंड भाई दरभंगा है अपना BR07। ये मैम सो रही है बाइक पे, एंड इट माइट बी डेंजरस। सो गई है भैया, सो गई है वो। तो अभी हम लोग दरभंगा शहर को बाईपास कर रहे हैं। वाह यार, यहाँ पे भी बहुत सारा डेवलपमेंट है। ये क्या है, होटल गार्सिया इंटरनेशनल। वाह भाई, बहुत बड़ा होटल है ये तो। एंड ये आई थिंक दरभंगा का बस स्टैंड है। एंड वो उधर है मखाना अनुसंधान केंद्र। तो भाई दरभंगा जो है, दरभंगा में मखाना की भी बहुत अच्छी सी खेती होती है, तो दरभंगा फेमस है मखाना के लिए। एंड लगता है आसपास ये यहाँ पे कहीं एयरपोर्ट है दरभंगा का। वो देखिए, एक एरोप्लेन जा रहा है। ये यहाँ से सिलचर है 1161 किलोमीटर, गुवाहाटी 835, किशनगंज 182 किलोमीटर। तो भाई यहाँ दिखा मधुबनी, मधुबनी यहाँ से है 18 किलोमीटर। हाँ, तो अभी हम लोग इस नेशनल हाईवे को यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये है मधुबनी ज़िला का कोई बाज़ार, आई डोंट नो, ये सकरी जगह आई थिंक। तो सकरी बाज़ार पे हमें ये नेशनल हाईवे छोड़ना पड़ा। एंड अब हम लोग यहाँ से जाएंगे मधुबनी की तरफ, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स है। आई थिंक मधुबनी ज़िला का जो कोड है वो है BR32, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम गाड़ियों पे BR32 ही लिख रखा है। वाह भाई, ये देख लीजिए मधुबनी ज़िला का पंडोल बाज़ार, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला बाज़ार लग रहा है। ये सामने कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है। अच्छा, ये मधुबनी मेडिकल कॉलेज है। ओके, वाह भाई, तो बहुत बड़ा कॉलेज है यार। सही है, हाँ हॉस्पिटल भी है एंड कॉलेज भी तो है। वाह भाई वाह, क्या बात है। एंड अभी लगता है नया नया ही बन रहा है। सही है, हाँ। एंड ये है भाई मधुबनी का पुलिस लाइन, किला सा लग रहा है, महल सा। पुलिस लाइन है, पीटी हो रहा है, रात हाँ। का गेम पॉलिंग। वो बिल्डिंग तो देखो भाई, पूरा खंडहर है। पूरा खंडहर वाला बिल्डिंग है। एंड हम लोग मधुबनी शहर में पहुंच चुके हैं। So, welcome to मधुबनी। गाली गलौज रही भाई। ये आर्मी वाला बंदा है, गाली गलौज तो करेगा ही। तो रोहित से ना बात हुआ, रोहित को बुला रहा है मेरे को, बहन चोद बोला तूने। हाँ भाई 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 भाई, एक भी फोन नहीं आया, चल तेरे को मैं बोलता। ओहो, क्या मछली है भैया। दिखाना, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। दिखाना तू लोकेशन, लोकेशन भेज मधुबनी में। अभी यहाँ पे एक सुपरमार्केट है, देखते हैं। अमित भाई की शादी है तो यहाँ से गिफ्ट ले चलते हैं उसके लिए, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। हम लोग मधुबनी तो पहुँच चुके हैं, एंड यहाँ हम लोग आए थे गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन कुछ ढंग का मिला नहीं। तो हम लोग रहने देते हैं कि कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा, क्या फायदा। और वैसे भी दोस्त की शादी है, दोस्त होता है, दोस्त थोड़ी जज करेगा। सॉरी अमित भाई, अब क्या करें, कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमारे पास टाइम ही नहीं था कि हम लोग पहले से खरीद के रखते। वाह भाई वाह, ये पूरा मछली मार्केट। तो भाई मिथिला है तो मछली तो मिलेगा ही। इधर के लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं, ऐसा सुनने में आया है कि मिथिला के लोग ना, एक आदमी कम से कम 1 किलो नॉनवेज खाता है। हड्डी और कांटे का ना पूरा टीला लगा देते हैं ये लोग। अरे अरे भैया, काहे इसे चला रहे हैं इतना तेजी में। ओहो भाई साहब, काहे भाई, कहाँ जल्दी है जाने की, घर या ऊपर। और यहाँ आसपास लगता है मधुबनी स्टेशन भी है भाई। तो अभी आशुतोष भाई को इधर रिलायंस स्मार्ट दिखा है, तो अभी देखते हैं कि इसमें कुछ अच्छा गिफ्ट आइटम मिलता है या नहीं। क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एक तो रहते कुछ, मगर बोल रहे हैं गिफ्ट आइटम में कुछ है नहीं।
क्या मिलेगा यार गिफ्ट आइटम, समझ में नहीं आ रहा है। अरे छोड़ ना यार, दोस्त की शादी में गिफ्ट कौन देता है, ट्राई करना अपना बनता है। मामा जी फूफा जी हो, कोई बात, ट्राई करना बनता है भाई। दोस्त की शादी में हम लोग जा रहे हैं, यही बहुत बड़ा गिफ्ट है, ठीक है। ये तो है भाई, पहुँचना ही बड़ी बात है, मगर ये हमारा मानना है, अगर उसका एक्सेप्टेशन क्या है वो जाने के बाद। भाई वैसे भी शादी में बिजी रहेगा, ठीक है, कोई मतलब बनता है नहीं। गिफ्ट देना है कभी, उसके घर चलेंगे, भाभी जी से मिलेंगे, उनके हाथ का बना हुआ कुछ खाएंगे, ये बात है, तब गिफ्ट देंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे हरिओम के शादी में, शादी के टाइम गिफ्ट नहीं दिए थे, बाद में गए थे, एकदम मस्त पार्टी वार्टी हुआ था, दूर हो जाता है ना। हाँ यही है कि दूर है थोड़ा। भाई तुम कहाँ घुस गया यार, मैमी पोको पैंट्स है इधर, पैम्पर्स इधर, सब्जी वगैरह भी है, लो देखो ना, कुछ कुछ फ्रेश नहीं है इधर, देख लो। चलो कोई नहीं, कम से कम घूम तो रहे हैं हम लोग, गिफ्ट मिले या ना मिले कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, क्या देंगे, ये सब पीनट बटर न्यूटेला यही सब दोगे, मैगी बिकानो नवरत्न, जेल ही दे, जेल देना पड़े कुछ नहीं है भाई। चलो चलो कोई बात नहीं, चलो उधर उसके घर पे चलते हैं, कुछ भी ऐसा गिफ्ट देने लायक है ही नहीं। तो भाई यहाँ भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मतलब है लेकिन सब देने लायक थोड़ी है क्या आइटम। तो हम लोग के पास पहले कोई टाइम मिला नहीं, तो अब चलते हैं यार, बहुत हो गया, उसके घर चलते हैं।